Subscribe my channel and press the bell icon. So, हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं लेके आया हूँ Y2 का जो हार्ड रिसेट है वो पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, अगर Y2 जिसका कलर में प्रॉब्लम हो रहा है या बैटरी बैकअप में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है नॉर्मल, तो आप एक बार ये प्रोसेस करके देखें, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल न्यू के तरह चलेगा। ओके, तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक बार फिर से न्यू तरीके से हार्ड रिसेट मार देना। तो हार्ड रिसेट मारने से पहले अगर किसी का पैटर्न लॉक नहीं जानते हो, अगर भूल गए हो, तो ये इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में है कि पैटर्न अगर नहीं खुल रहा है तो आपको सिंपली ये भी खुल जाएगा। ओके, और आपको हार्ड रिसेट मारने से पहले क्या करना है गाइस, आपको सिंपली मोबाइल को ऑफ कर देना है, पावर ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये जो ये वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम प्लस वाला क्लिक करना है और ये पावर की को प्रेस करके रखना है, दोनों को तब तक दबा के रखना है जब तक से आपका यहाँ पे रिबूट वाला ऑप्शन ना आ जाए। देखिए हो चुका है, ये आ जाएगा तब आपको दोनों एक साथ छोड़ देना। ओके, तो सिंपली इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें जब तक से नहीं हो जाता। देखिएगा यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका एक रिबूट का, वाइव डाटा का और कनेक्ट विथ MI असिस्टेंट। तो आपको सिंपली ये वाइव डाटा को क्लिक करना है। ओके, देखिए यहाँ पे वाइव डाटा को क्लिक करने के लिए आपको यहाँ वॉल्यूम प्लस वाला ऊपर का काम करेगा और माइनस वाला नीचे का काम करेगा। तो सिंपली नीचे वाला को क्लिक करना है, हो जाएगा। उसके बाद जो ये पावर की है ये आपका ओके का काम करेगा, तो इसको ओके कर देना। तब जैसे ही ओके कर दीजिएगा फिर से एक आएगा स्वाइप ऑल डाटा, तो इसमें स्वाइप ऑल डाटा को क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद आएगा आपका कैंसिल या कन्फर्म, तो आपको सिंपली कन्फर्म पे कर देना। ओके, तो यहाँ सिंपली नीचे आ जाना, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखेगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेस्ट ले लेना है। उसके बाद जब तक से हो नहीं जाता है तब तक से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखिएगा हो चुका है, तो बैक टू मेन मेनू इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद रिबूट कर देना। ओके, देखिए रिबूट कर देना, पावर की को दबा दबा के रिबूट कर देना। देखिए आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा रिसेट। तो ये होता है गाइस हार्ड रिसेट। ओके, जो मोबाइल सेटिंग में जाके आप करते हैं वो रिसेट हो जाता है, उसमें आपका मोबाइल का जैसा रहेगा वैसा ही सारा कुछ फंक्शन रहेगा, कोई चीज़ में चेंजिंग नहीं होगा। ये आप अगर करते हो हार्ड रिसेट तो आपका सारा मोबाइल न्यू जैसा हो जाएगा, आपका जिसमें भी प्रॉब्लम होता था बैटरी बैकअप या कुछ में भी, सारा आपका न्यू जैसा, न्यू वर्जन जैसा काम करेगा। जैसा हम न्यू में खरीदे थे वैसे ही सेम टू सेम काम करेगा। तो आप हार्ड रिसेट एक बार इसी तरह मार दीजिए, जिसका जिसका प्रॉब्लम हो रहा है Y2 पे, तब ऐसे ऐसा हार्ड रिसेट मार सकते हो इसी तरह से हम। उसके बाद आपका सारा कुछ ओके हो जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि सारा कुछ ओके हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे हो चुका है ओपन। तो देखिए सिंपली इस तरह का कुछ इंटरफेस आ चुका है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, एक्टिवेट दिस डिवाइस या फिर ओपन वाईफाई सेटिंग। तो आपको एक्टिवेट डिवाइस में क्लिक करना है। तो आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो MI का फ़ोन था MI अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर जो पासवर्ड आपका है वो पासवर्ड दे देना है। देखिएगा जैसे ही आप पासवर्ड डाल देते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप जिस तरह न्यू में फ़ोन लिए थे उस तरह का कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपका फ़ोन बिल्कुल न्यू हो चुका है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से कुछ सेटिंग कर लेना है जिस तरह न्यू फ़ोन खरीदे थे उस तरह, इंडिया है तो इंडिया सेट कर लेना है, आप जहाँ से वहाँ सेट कर लेना है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ से आपको सेटिंग कर लेना है, इसी को क्लिक करना है। आपका फ़ोन बिल्कुल न्यू हो चुका है गाइस, आपको इस पर आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है। देखिएगा यहाँ पे जैसे आपका इस तरह आ जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है,
इस पे क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है, उसके बाद इस पे क्लिक कर देना है। फिर से आप देखिए आपको यहाँ पे सिम तो है ही है, तो सिम इस पे क्लिक कर देना है। देखिए आप यहाँ पे कुछ वेट लगता है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है सिंपली। उसके बाद फिर से डोंट कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको पैटर्न रख लेना है, जो भी पैटर्न आप रखना चाहते हो वो पैटर्न रख देना है। उसके बाद आपका यहाँ ईमेल मांगेगा तो आप ईमेल डाल दें। ओके, ईमेल नहीं डालना है तो आप स्किप कर दें। उसके बाद एक्सेप्ट कर लें यहाँ से। उसके बाद इस पर क्लिक कर दें, अलाउ कर दें, फिर से अलाउ कर दें। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है गाइस। इसके बाद आपको यहाँ से पैटर्न मांगेगा तो आप पैटर्न सिंपली यहाँ से पैटर्न दे दें। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो गाइस इसी प्रकार के कुछ सेटिंग है, तो सिंपली आप इसको कर लें आराम से। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं गाइस। इसके बाद आपका फ़ोन बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ओके, बिल्कुल न्यू जैसा चलेगा। अगर आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, उसका भी सॉल्यूशन है। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दें वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको आगे कैसा वीडियो चाहिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।